दोस्तों, अगर आप भी बड़े यूट्यूबर के गिवअवे वीडियो को देखकर अगर आप अपने चैनल पर गिवअवे करना चाहते हैं तो एक बार रुकिए और ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिए, क्योंकि दोस्तों गिवअवे शब्द का इस्तेमाल करते ही आपका चैनल बर्बाद हो सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं देव सहानी स्वागत करता हूं सभी का टेक्नो गुरुदेव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों गिवअवे को लेकर यूट्यूब ने अपनी पॉलिसी को अपडेट किया है। इस पॉलिसी को आपको ध्यान से समझना है, उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि आपको अपने चैनल पर गिवअवे करना है या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको यूट्यूब के हर अपडेट देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए और बहुत ही ध्यान समझिए, क्योंकि दोस्तों जब भी कोई पॉलिसी अपडेट होती है तो उसको समझना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो इससे हमारे चैनल पर प्रॉब्लम आ सकती हैं। दोस्तों पहले आपने देखा होगा कि बहुत सारे चैनल जो है गिवअवे वीडियो बनाते थे, अपने वीडियो में गिवअवे करते थे और अपने ऑडियंस को भर भर कर प्रोडक्ट देते थे। लेकिन दोस्तों समय के साथ धीरे धीरे अब आपको गिवअवे वीडियो देखने को नहीं मिलती होंगी या बहुत ही कम मिलती होंगी। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, आपने कभी इसका लॉजिक पता करने की कोशिश किया है? तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, दरअसल इसके पीछे एक पॉलिसी काम कर रही है जो कि गिवअवे वीडियो को बनाने में यूट्यूबर को रोक रही है या जो भी वीडियो क्रिएटर है उनको रोक रही है कि आप गिवअवे वीडियो मत बनाइए, हम उसे रिकमेंड नहीं करेंगे। जो लोग भी बना रहे हैं वो भी परेशान है, क्योंकि ऐसी वीडियो को कोई भी प्लेटफॉर्म रिकमेंड नहीं कर रहा है, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे फेसबुक हो। तो दोस्तों सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि गिवअवे किन किन टाइप से किया जाता था। तो इसके दोस्तों कम से कम तीन टाइप में आपको सिलेक्ट करके लाया हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले टाइप की बात करें गिवअवे का, तो इसमें दोस्तों कोई कंपनी, मान लीजिए कि कोई कंपनी हमें कोई प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग करने के लिए दिया और उसकी एक यूनिट के साथ साथ कई सारी यूनिट हमारे पास भेज दिया। अब हमने जो है एक यूनिट का अनबॉक्सिंग किया, उसको अपनी वीडियो में दिखाया और उसको हमने अपने पास रख लिया, लेकिन उस प्रोडक्ट का जो बाकी की बची हुई यूनिट थी वो हमने जो है अपने जो फॉलोअर्स थे या जो हमारे व्यूअर्स थे उनको जो है हमने गिवअवे के लिए बोल दिया अपनी वीडियो में कि आपको कुछ शर्तों को फॉलो करना है और आप गिवअवे जीत सकते हैं। ऐसे में दोस्तों जो वीडियो बनती थी गिवअवे वाली उस पर ऑडियंस इंगेजमेंट बहुत ही ज़्यादा आता था, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता था और ऐसे में दोस्तों जो शर्तें रहती थी उसको जो क्रिएटर थे वो फॉलो करवा कर, मतलब कि जो व्यूवर्स थे उस वीडियो को देखने के बाद उनकी शर्तों को मानते थे। और जैसे कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कीजिए, तमाम तरह की जो ऐसी शर्तें रहती थी और इन शर्तों की वजह से गिवअवे वाली वीडियो की वजह से वो चैनल काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होता था। तो दोस्तों ये जो है YouTube के कम्युनिटी गाइडलाइन पॉलिसी के खिलाफ आता था। पहले तो चल जाता था किसी तरह, लेकिन अब YouTube ने इसको नोटिस करना शुरू कर दिया कि लोग अपने ऑडियंस, अपने व्यूवर्स के साथ या अपने फॉलोअर्स, अपने सब्सक्राइबर के साथ जो है मिसलीड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि लोग उनको जो है फेक इंगेजमेंट देकर बुला रहे हैं। तो दोस्तों पहले टाइप का जो है गिवअवे कुछ इस तरीके से चैनल को बूस्ट या हाइप करने के लिए किया जाता था। अब दूसरे टाइप का दोस्तों जो गिवअवे होता था वो कुछ इस तरह का होता था कि मान लीजिए कोई कंपनी ने हमको प्रोडक्ट दिया, उसकी अनबॉक्सिंग हमने किया और उसको गिवअवे हम करना चाहते हैं और पहले से हमारे पास वैसा सेम प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, तो हम नए प्रोडक्ट की जो है अपने ऑडियंस या अपने फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर को गिवअवे करने के लिए बोल दिए। उसमें भी हमने कुछ शर्तें रख दी हैं कि आपको डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक दिया गया वहाँ पर क्लिक करना है, तभी आप जो है हमारे गिवअवे में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ऐसी गिवअवे वीडियो पर भी जो है इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा आता था और व्यूअर्स जो है आकर हमारे उस लिंक पर क्लिक करते थे और लिंक पर क्लिक करने के बाद उनको तरह तरह के जो है स्टेप्स को फॉलो करने पड़ते थे, जैसे कि जाइए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कीजिए, उसके बाद आप जो है इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो इस तरीके से फेक इंगेजमेंट लाकर लोग जो है अपने चैनल या अपने सोशल मीडिया अकाउंट को बूस्ट करते थे और क्रिएटर जो है अपने व्यूअर्स का एक प्रकार से देखा जाए तो वही मिसलीड करने की कोशिश करते थे। तो ये दो तरह के गिवअवे हो गए, लेकिन दोस्तों इन दोनों तरह के गिवअवे में जो प्रोडक्ट होते थे वो गिवअवे के रूप में दिए जाते थे, लेकिन इसी को देखकर बहुत सारे लोगों ने फेक गिवअवे करना शुरू कर दिया, फेक इंगेजमेंट बुलाना शुरू कर दिया। अब दोस्तों इसका गलत असर जो है व्यूअर्स या कम्युनिटी पर पड़ने लगा, जो कि सोशल ऑडियंस हैं उन पर पड़ने लगा और इसी को लेकर दोस्तों फेसबुक और यूट्यूब ने कमर कस लिया और अपनी पॉलिसी को टाइट कर दिया कि अब अगर आप गिवअवे करते हैं तो हम गिवअवे वाले वीडियो को ज़्यादा रिकमेंड ही नहीं करेंगे। दोस्तों तीसरे टाइप का गिवअवे क्या होता है वो भी आप समझ लीजिए, ना ही कंपनी ने हमें कोई प्रोडक्ट दिया, ना ही हमने कोई गिवअवे वीडियो बनाया और हमने जो है फेक लोगों को बोल दिया कि हम आपको गिवअवे कर रहे हैं,
आपको ये सारी चीज़ें करनी है और ये गिव अवे आप पार्टिसिपेट कर जीत सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे में हमारे पास ना तो कोई प्रोडक्ट था, ना तो हमने किसी को दिया, और ऑडियंस आकर हमारी शर्तों को फॉलो किया, मान लिया, और हमारे इंगेजमेंट जो थे सब्सक्राइबर या व्यूअर्स के वो बढ़ गए। तो दोस्तों देखा आपने कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा था, और इसी को लेकर यूट्यूब ने, फेसबुक ने अपनी पॉलिसी को टाइट कर दिया। फेसबुक तो बहुत पहले से ही गिवअवे वीडियो को रिकमेंड करना बंद कर दिया था, लेकिन अब यूट्यूब ने भी दोस्तों अपनी पॉलिसी में अपडेट किया है कि अब गिवअवे शब्द अगर आप वीडियो या कीवर्ड या टाइटल डिस्क्रिप्शन कहीं पर भी यूज करते हैं तो हम उस कंटेंट को रिकमेंड ही नहीं करेंगे। इसीलिए दोस्तों मैंने इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं इसमें भी टाइटल या टैग्स या डिस्क्रिप्शन कहीं पर भी गिवअवे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया है। तो दोस्तों अगर आप भी गिवअवे वाली वीडियो बनाने की सोच रहे थे, लोगों का पहले वाली वीडियो देखकर अगर आपके भी मन में जिज्ञासा जाग रही थी कि गिवअवे करना चाहिए या फेक हो या रियल हो, तो रुक जाइए, क्योंकि अब गिवअवे वाली जो वीडियो थी उनको रिकमेंड नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर आपको वास्तव में अपनी ऑडियंस, अपने व्यूवर्स को गिवअवे देना है, कुछ देना चाहते हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं, तो आप कहीं पर मीटअप कर लीजिए या कहीं पर जो है अपने कमेंट से या जो है कहीं से उनको सिलेक्ट कर लीजिए, उनके घर चले जाइए या कहीं पर जो है उनसे मिलकर उनको जो है गिवअवे यूनिट दे दीजिए। तो दोस्तों यूट्यूब पर गिवअवे वीडियो आपको इसीलिए कम देखने को मिलती होंगी और आपको लग रहा होगा कि लोग आजकल गिवअवे कर ही नहीं रहे होंगे, तो इसके पीछे यही पॉलिसी रीजन था, तो आप भी समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यार दिल खोल के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टेक्नो गुरुदेव आपके लिए ऐसे ही यूट्यूब के लेटेस्ट अपडेट लेकर आता रहता है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।